6 महीने पहले साथियों मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। उस समय रोड की स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ पर नालियों का उचित तरीके से निर्माण नहीं होने के कारण पूरे बाढ़ का पानी इस चौराहे पर इकट्ठा हो जाता था, जिसके कारण यहाँ पर दुकानदारों को और साथ ही जो वार्ड के लोग थे उनको आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही थी। जो यहाँ की मेयर महोदया हैं, हमने उनसे भी संपर्क किया और उनको बताया कि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए हमारे द्वारा मीटिंग की गई, समुदाय के साथ स्क्रीनिंग की गई, साथ ही सोशल फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमने समुदाय एवं संबंधित अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को रखा। काफ़ी पानी भर जाता है जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले परिवारों को काफ़ी समस्या हो रही है, तो हम आपसे उम्मीद लेके आए थे कि आपके सहयोग मिलेगा तो जल्दी जन समुदाय की समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरा वो पैतृक गांव है, मैं वहाँ जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करूँगी और अभी 10-15 दिन अभी और लगेंगे उसको जल्द से जल्द जो जन जन आदमी की समस्या है उसको पूरा हल करूँगा। जल्दी ही आपके द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। इसके लिए हमारा वीडियो वॉलेंटियर परिवार आपके लिए काफ़ी आभारी है और आपका धन्यवाद करता है। अभी आप देख सकते हैं कि 6 महीने के बाद ये चैम्बर तैयार किए गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे यहाँ वार्ड वासियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिस तरह से पहले पानी भर रहा था वह पानी अभी नहीं भरेगा और लोगों की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। रोड में गड्ढे थे जगह जगह पर और पानी एक ही जगह छोड़ा पे इकट्ठा हो जाता, पानी भर रहा था ये तिराए पे, एक जगह पानी इकट्ठा हो गया, बहुत परेशानी आ गई थी। तो हमने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं थी, तो फिर हमने वीडियो बनवाया फिर लोगों ने फिर मैंने शिकायत करी नगर निगम में, तो कोई सुनवाई नहीं थी। फिर हमने सोचा फिर के अब क्या करें, तो फिर हमने इसे इसलिए वीडियो बनवाया है। वीडियो बनवाने के कितने समय बाद आपकी समस्या का समाधान हो गया? चैम्बर बन गए वहाँ, अब पानी एक जगह जा रहा है, चैम्बरों में से निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। अब बाढ़ में पानी तो नहीं भरता? नहीं सर, 6 महीने पहले हमने यहाँ का वीडियो बनाया था, उस समय रोड की क्या कंडीशन थी? स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब थी, यहाँ पे पानी का भराव था, आने जाने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम थी और रोड की जो डैमेज हो गई थी, पानी निकलने आने जाने के लिए दिक्कत कर रहा था, दुकानों में घरों में पानी भी था, ग्राहक नहीं आते थे, ये प्रॉब्लम थी। अभी क्या है, सुधार हो गया है तो सही लग रहा है। लोगों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए इसके लिए जिससे समस्या का समाधान हो गया? आपने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद में ये काम चालू हुआ है। हेल्पलाइन पे कई बार शिकायत भी की थी और नगर पालिका भी गए थे, पार्षद के यहाँ पे भी गए थे, तो हमें इस बात की खुशी है कि आपके माध्यम से ये काम चालू तो हो गया और आगे चल के और अच्छा भी हो जाए तो और अच्छा रहेगा। 6 महीने के बाद यहाँ पर 5 चैम्बरों का निर्माण किया गया, ये लाइन से 5 चैम्बर बनाए गए हैं, जिससे कि वार्ड के अंदर जितनी भी नालियाँ थीं उन सब को इन चैम्बरों से कनेक्ट किया गया है, जिससे कि जो यहाँ चौराहे पर जो पानी इकट्ठा होता था वह पानी अब यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहा है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ट के लिए।